हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज 19 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का, वो मैं आप लोग के बीच डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ओके, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। फ्रेंड्स, आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है, किसके नाम पर। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अ वाला सही उत्तर होगा इसका दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर। दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर छत्तीसगढ़ के कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखा गया है, ओके। तो जब किसी भी विश्वविद्यालय का नाम किसी के नाम पर रखा जाता है तो वहां पे एग्जाम जो है एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है छत्तीसगढ़ के उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हैंडराइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर याद कीजिए, ओके। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ओके। कामधेनु विश्वविद्यालय का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है, दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर, तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। और कामधेनु विश्वविद्यालय इसका जो है स्थापना, कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 2009 में, कब हुआ था, 2009 में हुआ था। तो आपको याद रखना, कामधेनु विश्वविद्यालय का स्थापना आपको याद होना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर है कौन। तो आप इमेज में देखिए, ये है दाऊ श्रीवासुदेव चंद्राकर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर रखा गया किसका, विश्वविद्यालय का नाम, कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम रखा गया किसके नाम पर, वासुदेव चंद्राकर का नाम, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका नाम। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण कब होगा, कब होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी कि 9 अगस्त। 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण होगा छत्तीसगढ़ में, ओके। तो आपको याद रखना है, आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो ये 9 अगस्त को होने वाला है प्रसारण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेडियो वार्ता लोकवाणी का जो प्रसारण जो होने वाला है 9 अगस्त को, वो कौन से नंबर का है, तो 9वें नंबर का है। कौन से नंबर का, 9वें नंबर का है और 9 अगस्त को ही इसका प्रसारण होगा, ठीक है, आकाशवाणी रायपुर से। तो आपको याद रखना है, ओके। अब इस वार्ता में क्या होगा, इस लोकवाणी में क्या होगा, तो ये जनता से सीधे जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जो जनता है रहवासी है उनसे सीधे सीधे जुड़ेंगे इस लोकवाणी प्रसारण के माध्यम से, कौन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, ओके। तो आपको याद रखना है, ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इसको पूछा जा सकता है कि 9 अगस्त को जो लोकवाणी प्रसारण हुआ कौन से नंबर का है, तो कौन से नंबर का है, 9वें नंबर का है, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के सामने, किराए के घर में रहने वाले 50,000 से ज्यादा किराया देते हैं तो कितना TDS काटना होगा, TDS, ओके। तो यहाँ पे TDS इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, किराए के घर में रहने वाले 50,000 से ज्यादा किराया देते हैं, ठीक है, किराए के घर में रहने वाले जो होते हैं अगर वो 50,000 से ज्यादा किराया देते हैं तो उनको कितना TDS काटना होगा। तो कितना TDS, आवाज से उत्तर हो जाएगा 5%, ठीक है, 5% 50,000 से ऊपर किराया देने पर TDS काटना होगा, TDS काट कर देना होगा, ठीक है। एक्चुअल में जो किराएदार रहते हैं, ठीक है, किसी मकान में किराए पे रहते हैं और वो मकान मालिक को 50,000 से ज्यादा ऊपर जो है किराया देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो किराएदार है 5% जो है TDS काट कर देगा, ओके। तो आपको याद रखना है, तो TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ओके। आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम भी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि CGPSC, CGVAPAM, फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार कौशल के अनुसार किसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे, तो किसको, ग वाला सही आंसर हो जाएगा, प्रवासी श्रमिकों को, प्रवासी श्रमिक जो आए हैं, ठीक है, प्रवास जो बाहर गए हुए थे छत्तीसगढ़ से काम करने,
और कोरोना के चलते जो बाहर से छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रवासी श्रमिक बोलेंगे, जो श्रमिक है उनको। तो उनको उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कौन? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह निर्देश दिया है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं और छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं, उनको उनके कौशल के ही अनुसार छत्तीसगढ़ में रोजगार प्रदान कराने के लिए रोजगार कैंप आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये निर्देश मुख्यमंत्री के हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि किस कंपनी पर उसके कर्मचारियों ने वेतन लेकर भागने का आरोप लगाया है? किस कंपनी पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवाला, यानी कि GVK। क्या? GVK। GVK एक कंपनी है, ठीक है, जिसका जो कंपनी क्या है, 102 आपने सुना होगा, ठीक है, और आपने सुना होगा 108, ठीक है, एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस, ये GVK का ही है, ठीक है। और इन पर आरोप लगाया है, इनके 1500 कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि GVK ने इनका वेतन पे नहीं किया और भाग गए हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो आपको याद रखना है। चलिए जानते हैं GVK के बारे में और इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक यह है कि GVK कंपनी पर उसके कर्मचारियों ने वेतन लेकर भागने का बड़ा आरोप लगाया है। इसकी शिकायत कर्मचारियों ने थाने में दर्ज कराई। बताया गया कि कंपनी ने 1500 कर्मचारियों का वेतन लेकर फरार हो गई है, ठीक है। GVK कंपनी छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस संचालन करती है। क्या करती है? एम्बुलेंस संचालन करती है GVK कंपनी। पिछले 12 साल में से प्रदेश में एम्बुलेंस 108 और 102 एम्बुलेंस संचालन का जिम्मा GVK कंपनी के अंतर्गत था, ठीक है। तो आपने कभी बार केयर किया होगा, कई बार केयर किया होगा कि 102 और 108 में क्या लिखा होता है, GVK, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि GVK के अंतर्गत ही चलता था 108 और 102 एम्बुलेंस, ठीक है। और इन पर आरोप लगाए इनके कर्मचारियों ने, 1500 कर्मचारियों ने, कि उनका वेतन दिया नहीं गया है और वो लोग फरार हो गए हैं, भाग गए हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, कॉमन से कि 108 और 102 जो है GVK के अंतर्गत चलता था एम्बुलेंस, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, GVK तो इनका जो फाउंडर है GVK, कौन है? गुणपति वेंकटा कृष्णा रेड्डी। क्या है? गुणपति वेंकटा रेड्डी, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है, क्या है? GVK, ठीक है, GVK, ठीक है। तो आपको याद रखना है, गुणपति वेंकटा कृष्णा रेड्डी, ठीक है। इसका स्थापना हुआ 1992 में और हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है। तो आपको याद रखना है इतना GVK के बारे में। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और किसने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो का विमोचन किया, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और किसने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना के प्रतीक, ठीक है, गोधन न्याय योजना आपने बहुत बार सुना होगा, अब इनके प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगों का विमोचन किया गया है, ठीक है। अभी तक गोधन न्याय योजना लागू किया गया लेकिन अब इसका प्रतीक चिन्ह और लोगों विमोचन किया है, ठीक है। और जहाँ पे लोगों और प्रतीक चिन्ह की बात होती है किसी भी चीज का, वो जो है आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खवाला, यानी कि रविंद्र चौबे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ठीक है, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के प्रतीक चिन्ह लोगों को विमोचन किया, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर किया, भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे ने। ओके, तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं और लोगों को देखते हैं कि लोगो है क्या, ठीक है, कैसा दिखता है, इसके बारे में जानेंगे। गोधन न्याय योजना के प्रतीक और लोगों का विमोचन किया है, तो आपको याद रखना है। ये है लोगो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लोगो है, ठीक है, गोधन न्याय योजना का लोगो। और इनको किसने किया है विमोचन? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और रविंद्र चौबे जी ने, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में पशुधन के रख रखाव की व्यवस्था तथा गौठानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो आपको याद होगा कि बहुत सारे आप एग्जाम में आपने देखा होगा कि जो है रुपए
यानी कि पैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर किसी का बजट लॉन्च होता है किसी का या किसी पे खर्च किया जाता है बहुत सारे पैसे, तो उसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से पढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गोठानों में पशुधन के रख रखाव की व्यवस्था तथा गोठानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये जो आपको रुपए है याद रखना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है क्या ग वाला, यानी कि 10,80,000 रुपए। ठीक है, 10,80,000 रुपए की मंजूरी दी है किसने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। किसके लिए? महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गोठानों में पशुधन के रख रखाव के लिए तथा गोठानों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए। ठीक है, तो पशुधन के रख रखाव और उनके संचालन के लिए 10,80,000 रुपए मंजूरी दी है किन्होंने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कोई इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन तो मैं 10 बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन मोस्टली आपको याद हो जाए, उसका आंसर आपको याद हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। राज्य के 2502 गोठानों को 40,000 रुपए के मान से यह राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, अब ये 10,80,000 रुपए जो दिया गया है, ठीक है, वो 2502 गोठानों को 40,000 रुपए के रूप में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें 2300 गोठान ग्रामीण इलाके के तथा 202 गोठान नगरीय क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए 2300 गोठान ग्रामीण इलाके में है तथा 202 गोठान नगरीय क्षेत्रों में स्थित है, आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि आगामी 20 जुलाई हरेली पर्व से प्रदेश में गोधन न्याय योजना शुरू होने जा रही है। ठीक है, कब? 20 जुलाई को। ठीक है, हरेली पर्व के जो उपलक्ष में, ठीक है, उसी दिन गोधन न्याय योजना शुरू होगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका मैंने प्रतीक आपको बता दिया है कैसे दिखता है। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से प्रतीक फिर से देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से गोधन न्याय योजना का ये लोगो है, प्रतीक है, आपको याद रखना है। एग्जाम के लिए जो प्रतीक है पूछा जा सकता है, आप ध्यान से प्रतीक को देख लीजिए कि प्रतीक में क्या क्या है, लोगो में क्या क्या है, क्योंकि लोगो से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला टॉपिक है। गौठान समितियों को हर महीने 10,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान पहले से ही शासन द्वारा तय किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि गौठान समिति, ठीक है, गौठान का जो समिति है उनको हर महीने 10,000 रुपए की सहायता दिया जाएगा। ठीक है, शासन के द्वारा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये अमाउंट जो है एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो आपको जितने भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम छत्तीसगढ़ के, तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, टॉपिक जो होते हैं, आपको नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत होने वाला है? तो आपको पता होना चाहिए, फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कौन सी योजना की शुरुआत होने वाला है? कौन सी योजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ वाला, यानी कि खेलो इंडिया लघु केंद्र। खेलो इंडिया लघु केंद्र जो है खेल मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जाएगा, इसको शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? खेलो इंडिया एक पहले से ही योजना है खेल मंत्रालय का, और इस योजना के तहत खेलो इंडिया लघु केंद्र, ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं। क्यों? जमीनी स्तर पर खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनका पर्पज है कि जमीनी स्तर पर जो खेल है उनको विकास करना है और प्रोत्साहन करना है, इसके लिए खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया लघु केंद्र की स्थापना योजना शुरुआत करने वाला है कौन? खेल मंत्रालय। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो क्योंकि खेल से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप याद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। मैं 100% बोलता हूँ यहाँ पे, श्योर हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे से जुड़े हुए हैं और हमारा करंट अफेयर डेली देख रहे हैं, तो आपका जो जितना भी क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का एग्जाम में एक भी मिस नहीं होगा। ओके, तो आप लगातार बनी रहिए हमारी वीडियो के साथ और यहाँ से करंट अफेयर्स से अपडेट करते जाइए। तो चलिए जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले डिस्कस कर लेते हैं खेल के बारे में। सितंबर अक्टूबर तक इसे शुरू किया जा सकता है। अब ये जो है खेलो इंडिया लघु केंद्र, इसको कब शुरू किया जा सकता है? सितंबर अक्टूबर तक। तो ये मंथ भी आप याद रखिएगा, खेलो इंडिया लघु केंद्र को सितंबर अक्टूबर तक शुरू किया जा सकता है। प्रत्येक खेलो इंडिया लघु केंद्र में 3 खेलों को अनुमति प्राप्त होगी। तो ये जो 3 खेल है यही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए,
एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितने खेलों को खेलो इंडिया लघु केंद्र में अनुमति प्राप्त हुआ है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे तीरंदाजी, एथलीट्स, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती के अलावा अतिरिक्त फुटबॉल और पारंपरिक खेल भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो खेल तो ऑलरेडी शामिल हैं, लेकिन इनके अलावा फुटबॉल और पारंपरिक खेल को भी शामिल किया जा सकता है, किसमें? खेलो इंडिया लघु केंद्र में। ओके, तो आपको याद रखना है योजना का नाम। श्वेता सिन्हा जो है संचालक है, किनके? खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के संचालक है, तो ये संचालक का नाम भी आप याद रखिए, श्वेता सिन्हा। ओके, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन खेल से संबंधित। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स आपके सामने, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर कौन से फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है? तो कौन से फोर्स का फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा खवाले, यानी कि एसटीएफ। क्या? एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीएफ का स्पेशल टास्क फोर्स। इसका गठन करने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ वन विभाग ने, किसके तर्ज पर? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले से ही वन विभाग में एसटीएफ गठन हो चुका है, और इन्हीं के तर्ज पे छत्तीसगढ़ वन विभाग ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया है। ओके, तो आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एसटीएफ का होता है फुल फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स। ओके, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात यहाँ पे आ गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। ओके, तो दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए मध्य प्रदेश के बारे में, उसके पहले आप इसके बारे में डिटेल जानिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो विभाग की लाख कोशिशों के बाद, क्या? विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी तस्करी और शिकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। जो है वन्य जीव प्राणी है, उनके तस्करी लगातार हो रहा है, उनके शिकार लगातार हो रहे हैं, इनकी घटनाएं वन्य जीव जो है इन घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। कौन? वन्य जीव प्राणी। और इनको रोकथाम के लिए, इनको लगाम लगाने के लिए विभाग ने स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का निर्णय लिया है। इसलिए वन विभाग ने क्या किया है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का गठन करने का निर्णय लिया है। ओके, एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ होगा? बिलासपुर में होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, आपको इसको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं ही क्वेश्चन में बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ होगा? बिलासपुर में। तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा एसटीएफ जो वन विभाग ने जो गठन किया है उनका मुख्यालय कहाँ है, कहाँ होगा, ये पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है बिलासपुर, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, हैंडराइटिंग की कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका टॉपिक है यहाँ पे एसटीएफ के अधीन 3 एंटी पोचिंग स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितना? 3 एंटी पोचिंग स्क्वाड। ओके, तो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 3 एंटी पोचिंग स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। किसके? एसटीएफ के अधीन। ठीक है, इसके अंतर्गत, अधीन मीन्स इसके अंतर्गत 3 एंटी पोचिंग स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये हुआ आपका जो वन विभाग का एसटीएफ है जो गठन होने वाला है उसके बारे में जानकारी, आप इसको भूलना नहीं है। ओके, अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, तो दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के बारे में जानिए, ये आपको मैप में दिख रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? मध्य प्रदेश है। सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? कितने राज्यों से? एक तो हो गया राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात। तो कुल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने राज्यों से कोई राज्य सीमा साझा करता है। ओके, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र का जो कैपिटल है भोपाल है, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन, चीफ जज है अजय कुमार मित्तल, और राज्यसभा सीट की संख्या यहाँ पे कितना है? 11 है। लोकसभा सीट की संख्या 29 है, और विधानसभा सीट की संख्या कितना है? 230 है। फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य यहाँ पे है, तेर ताली, चार कुला तथा मटकी डांस। ओके, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो भी फैक्ट मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वर्ल्ड के रिलेटेड में बताता हूँ, ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और वर्ल्ड वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो किसी भी स्टेट के बारे में जब आपको बता रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ किसी भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में या वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड के मैप के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में, तो आपको स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए या उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, कंटिन्यू बने रहना है करेंट अफेयर्स अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो। ओके, तो चलिए आप जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की बात है तो आप इसको मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है। कहाँ पे है महाराष्ट्र? ये है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ओके, ये महाराष्ट्र है। तो यहाँ से पहला आपको ये याद रखना है कि कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। एक तो करेगा गुजरात से, दूसरा मध्य प्रदेश से, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा तेलंगाना, पांचवा कर्नाटका और छठवा गोवा। कुल छह राज्यों से महाराष्ट्र जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है फ्रेंड्स, ओके। अगर आप जॉब गेन करना चाहते हैं, ठीक है, जॉब लेना चाहते हैं, तो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अवेयरनेस फुल पर्सन बनना चाहते हैं, यानी कि जागरूक इंसान बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो जो है चैनल हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप हमारा चैनल रोज देखिए वीडियो को, ओके। तो कैपिटल है महाराष्ट्र का मुंबई, आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर है बी उद्धव ठाकरे। कौन है? बी उद्धव ठाकरे, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जज, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे है महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जज यहाँ पे दीपंकर दत्ता, जो अभी रिसेंटली बने हैं, ठीक है। राज्यसभा सीट की संख्या महाराष्ट्र में 19 है, लोकसभा सीट की संख्या 48 है, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। फोक डांस यानी कि लोक नृत्य यहाँ पे लावणी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं अभी बीच में बोल रहा हूँ, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हमेशा लाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने सरकारी पंजीकृत गौशालाएं हैं, ठीक है। तो ये गौशालाएं, अभी गैया के बारे में, गौ माता के बारे में हर जगह डिस्कस होता है, इसलिए गौशालाएं की जहां गैया की बात आती है वहां पे एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने सरकारी पंजीकृत गौशालाएं हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि 111 गौशालाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो कि सरकारी पंजीकृत है। तो आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। आप चाहे तो हैंड राइटिंग करिए, नोट डाउन कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर याद कीजिए, ओके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम जानते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट, ठीक है। इनकी देखरेख के लिए शासन प्रति वर्ष 20 लाख रुपए देता है, ठीक है। तो किसके देखरेख के लिए? तो गौशालाएं की देखरेख के लिए प्रति वर्ष जो होता है शासन है हमारा छत्तीसगढ़ प्रशासन 20 लाख रुपए देता है, ठीक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि गोबर मूत्र का वैज्ञानिक तरीके से खेतों में उपयोग किया जाए तो धरती सोना उगलेगी। वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च किया, छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों ने, और उनका मानना यह है कि अगर गोबर मूत्र का प्रयोग किया जाए तो उनका लाभ बहुत ही ज्यादा होगा। प्रायोगिक रूप से प्याज की खेती में गौमूत्र का सफल प्रयोग कृषि वैज्ञानिकों ने किया गया है, ठीक है, कृषि वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, ठीक है, कहाँ है? रायपुर में है, और वहाँ के जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है कि प्रायोगिक रूप से प्याज खेती में गौमूत्र का सफल प्रयोग कर चुके हैं, और इनका अगर खेतों में उपयोग किया जाता है, ठीक है, गौमूत्र का, तो उनका लाभ काफी मिलेगा, ये वैज्ञानिकों का कहना है। और गौशालाएं को जो पंजीकृत है, ठीक है, 111 पंजीकृत जो गौशालाएं हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उनको 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रशासन देता है, ठीक है, बजट में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाजियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में, क्या? भाजियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों ने भाजियों की कितनी नई किस्में विकसित की है, ठीक है। तो ये साइंस फिक्शन है, क्या है? साइंस रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली साइंस रिलेटेड जो होता है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, आप नोट डाउन कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, ओके। तो भाजियों का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में कृषि वैज्ञानिकों ने भाजियों की कितनी नई किस्में विकसित की है, कितनी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ वाला, यानी कि दो नई किस्में भाजियों का विकसित किया है किन्होंने? कृषि वैज्ञानिकों ने। तो आपको याद रखना है, ठीक है, भाजियों का दो नए किस्म। वैसे तो छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के भाजी होते हैं, कितने प्रकार के? 36 प्रकार के, जिनमें से दो नए किस्में विकसित और किए हैं कृषि वैज्ञानिकों ने, तो आपको याद रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में भाजियों का विशिष्ट महत्व है, यहाँ प्रचलित रूप से 36 किस्म की भाजियां पाई जाती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां पाई जाती है, और दो नई किस्म विकसित की है छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों ने। तो ये आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ओके। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 19 साल 7 महीने बाद किसको राज्य शासन से प्रतीक चिन्ह मिला है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 19 साल 7 महीने बाद किसको राज्य शासन से प्रतीक चिन्ह मिला है, ठीक है। तो राज्य शासन जो प्रोवाइड कराता है, किसी भी जो है डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, उसको जो होता है लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह कौन प्रोवाइड कराता है, कौन उपलब्ध कराता है?
छत्तीसगढ़ प्रशासन छत्तीसगढ़ शासन कराता है, तो आपको याद रखना है ओके, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के कुल 19 साल 7 महीने बाद ठीक है पुलिस विभाग को, किसको, पुलिस को ठीक है प्रतीक चिन्ह मिला है ठीक है। तो आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुलिस प्रशासन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ओके। तो जहां पे प्रतीक लोगों की बात आती है वहां पे एग्जाम जो होता है बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ठीक है जो प्रतीक चिन्ह होता है या लोगो होता है किसी भी विभाग के लिए जारी होता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है फ्रेंड्स ओके। तो पुलिस विभाग के लिए प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो जारी किया है किन्होंने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कब, 19 साल 7 महीने बाद ओके। तो आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा दिन हो गया ये 19 साल 7 महीने और इतने दिन बाद प्रतीक चिन्ह यानी कि पुलिस के लिए जारी किया है छत्तीसगढ़ शासन ने, तो आपको याद रखना है अच्छा सा इसका क्या है क्वेश्चन है और आंसर भी मजेदार है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ओके। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं पुलिस के बारे में। प्रतीक चिन्ह लगाने की शुरुआत पुलिस प्रशिक्षण स्कूल PTS राजनांदगांव में की गई ठीक है। तो ये जो है आपको पूछा जाएगा एग्जाम के लिए। अब ये कैसे पूछा जाएगा, तो भाई कभी भी कोई चीज की शुरुआत होता है तो उसको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह लगाने की शुरुआत पुलिस को तो दिया गया प्रतीक चिन्ह ठीक है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है PTS स्कूल, कौन सा स्कूल, PTS स्कूल राजनांदगांव से शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है ओके। ये जगह राजनांदगांव जिला आप याद रखिए, इसमें गहरे नीले रंग के ढाल में सुनहरा बॉर्डर, अशोक चिन्ह, सूर्य प्रगति चक्र एवं बाइसन हार्न बना हुआ है ठीक है। फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, पूछ दिया जाएगा कौन से रंग का है ये प्रतीक चिन्ह, तो नीले गहरे रंग के हैं ठीक है, सुनहरा बॉर्डर है, अशोक चिन्ह है, सूर्य प्रगति चक्र है, बाइसन हार्न बना हुआ है ठीक है। तो सारी चीजें आपको याद रखना है लोगों में क्या क्या है ठीक है, प्रतीक चिन्ह में क्या क्या है, क्योंकि ये जो प्रतीक चिन्ह में जो पार्ट्स होते हैं उसके एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है, तो आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि परित्राणा साधुनाम इसका क्या है, मोटो है ठीक है। परित्राणा साधुनाम क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस का क्या है, मोटो है ठीक है, स्लोगन है, हिंदी में क्या कहेंगे, स्लोगन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोटो है ठीक है। तो मोटो और स्लोगन जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 2000 में गठन हुआ छत्तीसगढ़ पुलिस का, तो आपको ध्यान में रखना है ओके। मोटो यहाँ पे लिखा है परित्राणा साधुनाम, और स्थापना हुआ छत्तीसगढ़ पुलिस का 2000 में, और हेडक्वार्टर है नया रायपुर में, तो आप इतना याद रखिए छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में ओके। छत्तीसगढ़ पुलिस से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसलिए आपको याद रखना है ओके। तो फ्रेंड्स अब बात यहाँ पे लोगों की है, तो लोगो दिखता कैसे है वो हम देख लेते हैं। ये है लोगो जो आपको दिखा रहा है, जो वर्तमान में प्रेजेंटली छत्तीसगढ़ शासन ने ठीक है पुलिस के लिए जारी किया है ये लोगो ठीक है, प्रतीक चिन्ह, तो आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, क्योंकि ये लोगो को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल कीजिए, फाइंड आउट कीजिए और इसको याद कीजिए। आने वाले एग्जाम के लिए जो लोगो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है ओके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CSVTU, क्या CSVTU भिलाई के अंतर्गत आने वाला कौन प्रदेश का पहला अभियांत्रिकी महाविद्यालय बन गया है जिसने ऑटोनॉमी स्टेटस पाई है ठीक है। तो प्रश्नों को फिर से पढ़ देता हूँ, बहुत लॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CSVTU, भिलाई के अंतर्गत आने वाला कौन प्रदेश का पहला अभियांत्रिकी महाविद्यालय बन गया है, मतलब कि कौन सा विद्यालय पहला ऐसा विद्यालय बन गया है जो कि CSVTU के अंतर्गत आता है, जिसने ऑटोनॉमी ठीक है क्या है ऑटोनॉमी स्टेटस पाई है ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी स्टेटस ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ठीक है। तो ऐसा स्टेटस पाने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा BIT दुर्ग, ग वाला सही उत्तर हो जाएगा BIT दुर्ग ने ऑटोनॉमी स्टेटस पाई है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पहला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय है, आपको याद रखना है ठीक है। BIT दुर्ग एक इसके अंतर्गत आता है, CSVTU के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, CSVTU का छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी याद रखना है। ऑटोनॉमी स्टेटस पाने वाले BIT दुर्ग जो होता है अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ये पहला है, तो आपको याद रखना, क्योंकि जब पहला के बात आता है क्या, जब किसी भी क्वेश्चन में पहला आ जाए ठीक है, पहला आ गया आपका, पहला लिखा है, तो एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में जाने से पहले हम जानते हैं
किनके बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले तो सी एस टू के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद जानेंगे बी आई टी दुर्ग के बारे में। तो सी एस टू, ठीक है, सी एस विट यू, इसका जो मोटो है, स्लोगन है, क्या है? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, ठीक है। वैसे तो ये स्वामी विवेकानंद का है, लेकिन ये मोटो जो है, स्लोगन किनका है? सी एस विट यू। क्यों? क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद का ही क्या है, विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसी के नाम पे है, इसलिए मोटो क्या है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, ओके, ठीक है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपको मंजिल ना मिले, ठीक है, लक्ष्य में ना पहुंच जाओ तब तक कि रुको मत, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, रोज उठना है, वीडियो देखना है, करेंट अफेयर अपडेट करना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि जॉब ना मिल जाए, ठीक है, आपका टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक कि आपको हमेशा करंट अफेयर से अपडेट रहना है, ओके। तो सी एस वी टी यू, इसका स्थापना कब हुआ? 2005 में हुआ, ठीक है। वाइस चांसलर अभी प्रेजेंट टाइम में है एम के वर्मा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए सी एस वी टी यू के बारे में। बी आई टी दुर्ग, बी आई टी दुर्ग जो है विश्वविद्यालय है, अभियांत्रिकी जो विश्वविद्यालय है, उनका जो मोटो है, स्लोगन है, एस्पायर टू एक्सेल, क्या है? एस्पायर टू एक्सेल। इसका स्थापना हुआ 1986 में, तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के सामने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, किसने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौन सी पुरानी समिति को भंग कर दिया है, ठीक है। तो पुरानी समिति, कौन सी पुरानी समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी कि गौठान समिति। गौठान समिति एक पुरानी समिति है, ठीक है, पहले से ही गौठान समिति बन गया था जो कि बहुत पुराना हो गया, और इनको भंग कर दिया है किन्होंने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ठीक है। अब भंग क्यों किया ये जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, भंग किया तो किया क्यों ये ज्यादा जानना जरूरी है। तो चलिए डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बारे में। याद रखना आपको, गौठान समिति को भंग किया है किन्होंने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो कि हमें हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने, ठीक है, अमली जामा पहनाने से पहले पूर्व में गठित, पहले से जो गठित गौठान समिति को भंग कर दिया गया, अब नए सिरे से समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। पहले जो समिति गठन हुआ था उसको भंग कर दिया गया, अब नए सिरे से समिति गठन किया जाएगा, गौठान समिति, ठीक है। बीते वर्ष हरेली की, यानी कि पिछले साल बीते वर्ष हरेली के दिन मुख्यमंत्री ने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेवरा में आदर्श गौठान का उद्घाटन किया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा बिल्कुल, डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूँ, पूछा जाएगा कि बीते वर्ष हरेली के दिन मुख्यमंत्री ने तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के, कौन से विधानसभा क्षेत्र के? तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेवरा में, कौन से ग्राम में? नेवरा ग्राम में आदर्श गौठान का उद्घाटन किया था। तो ये आपको याद रखना है, तखतपुर विधानसभा बिलासपुर में आते हैं, तो आपको याद रखना है बिलासपुर का जो है विधानसभा क्षेत्र है तखतपुर, आपको ध्यान में रखना है, ओके। गनियारी में, कहाँ पे? गनियारी में आजीविका मिशन के तहत बनाए गए इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ भी सीएम ने किया था। तो पिछले साल किया था, किसको? कहाँ? गनियारी में क्या बना था? इंडस्ट्रियल पार्क, जिसका शुभारंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था, ठीक है, पिछले साल की बात है। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट अफेयर है, पिछले साल का है, तो ये मत समझिए कि ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करना है, हेड राइटिंग करना है, कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, ओके, क्योंकि जॉब लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला टॉपिक है, गाँव में चरवाहों की सूची बनेगी, ठीक है। तो गाँव में चरवाहों की सूची बनेगी, ठीक है, इस गौठान समिति के तहत सूची में जिन चरवाहों का नाम होगा उसे समिति गोबर खरीदेगी, ठीक है। किसी से भी, मतलब आम आदमी से गोबर नहीं खरीदा जाएगा समिति के द्वारा, चरवाहों का जिनका क्या होगा, पंजीकरण होगा, ठीक है, जिनका नाम होगा पंजीकरण में, सूची में, लिस्ट में जिसका नाम होगा, उन्हीं चरवाहों का जो उनके द्वारा लाया जाएगा गोबर, ठीक है, उन्हीं को खरीदा, उन्हीं से खरीदेगा कौन? गौठान समिति, ठीक है। तो ये भी इनका रूल है, तो आपको ये याद रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स मैं फिर अगेन आप लोग को बोलूंगा कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक जो करंट अफेयर्स है, हमारा चैनल है, वीडियो है, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जो होता है करंट अफेयर्स जो होता है सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता, नौकरी पाने के लिए नहीं होता, जॉब के लिए नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं होता, एक अवेयरनेसफुल पर्सन, जागरूक इंसान बनने के लिए भी करंट अफेयर्स से अपने आप को अपडेट रखना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में, वर्ल्ड में हो क्या रहे हैं आखिर, ठीक है। जो मतलब वर्ल्ड से रूबरू रहता है, अपडेट रहता है, करंट अफेयर्स अपडेट रहता है, फाइनली हम उसी को क्या बोल सकते हैं? जागरूक इंसान बोल सकते हैं। तो जागरूक इंसान कहने का मतलब जो है अपने आप को दुनिया के साथ क्या रखता है? अपडेट रखता है, ठीक है, दुनिया में हो क्या रहा है, सारी चीज को
वो लेखा जोखा रखता है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? जागरूक इंसान बोलेंगे। ठीक है, तो जागरूक इंसान बनने के लिए आप करंट अफेयर देखिए, न कि जॉब के लिए। ठीक है, जॉब तो आपका ऐसे ही जॉब के लिए तो काम आएगा ही, अगर आप एक इसको अपना हैबिट बना लेते हैं, एक जागरूक इंसान बनने के लिए हैबिट बना लेते हैं करंट अफेयर से अपने आपको अपडेट करना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन से नगर पालिका क्षेत्र में, ठीक है, 20 विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिली है? तो नगर पालिका क्षेत्र खवाला से आंसर हो जाएगा कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र है। ठीक है, तो ये नगर पालिका क्षेत्र कौन सा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अहिवारा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, तो नगर पालिका क्षेत्र में 20 विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिली है कुम्हारी। ठीक है, कुम्हारी कहाँ है? दुर्ग जिले में है, तो आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की है, माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्या इसमें जानकारी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में 20 विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नीचे में बता दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रमुख रूप से जंजगिरी में, कहाँ? जंजगिरी में, जगह का नाम आप याद रखिए, जंजगिरी में जोड़ो एकेडमी एवं नवीन पालिका भवन समेत वार्डों में पानी बिजली सप्लाई आदि कार्य किए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे एकेडमी की बात आती है, अगर कोई एकेडमी बनता है कहीं पे, तो उसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जंजगिरी में, ठीक है, जोड़ो एकेडमी जो है बनने वाला है। ठीक है, और ये जंजगिरी कहाँ है? कुम्हारी के अंतर्गत आता है, कुम्हारी नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात यहाँ पे दुर्ग की है, क्योंकि कुम्हारी कहाँ आता है? दुर्ग में। तो दुर्ग के बारे में आप जानिए, ये आपको मैप में दुर्ग दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ किससे क्वेश्चन बनेगा कि दुर्ग जो है, दुर्ग जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है, अपना सीमा साझा करता है? तो कुल 4 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन सा? एक तो राजनांदगांव हो गया, बेमेतरा हो गया, रायपुर हो गया और बालोद। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में मोस्टली बनते हैं कि कोई जिला कितने जिलों से घिरा हुआ है, अपना सीमा साझा करता है, अपना बाउंड्री शेयर करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भूलना नहीं है। जिला गठन फ्रेंड्स यहाँ पे हुआ था दुर्ग का 1906 में, और यहाँ पे नेशनल हाईवे है 53। ओके, नगर निगम है दुर्ग भिलाई चरोदा, नगर निगम एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। नगर पालिका परिषद यहाँ पे 3 है, जामुल है, अहिवारा है, कुम्हारी है। ठीक है, अहिवारा, जामुल, कुम्हारी, ये नगर पालिका परिषद है, आपको ध्यान में रखना है। तहसील विकास खंड यहाँ पे 3 है, कौन कौन सा? दुर्ग, पाटन, धमधा। ओके, तो आपको याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र फ्रेंड्स यहाँ पे है वैशाली नगर है, पाटन है, भिलाई है, भिलाई नगर, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी। ठीक है, तो 6 विधानसभा क्षेत्र है, आपको याद रखना है। दुर्ग जो है सिरनाथ नदी के तट पर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा शहर, कौन सा जिला किस नदी के तट पर है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। केंद्र संरक्षित स्मारक फ्रेंड्स, एक तो होता है राज्य संरक्षित स्मारक और दूसरा होता है केंद्र संरक्षित स्मारक। जो केंद्र संरक्षित करके रखते हैं किसी चीज स्मारक को, उसको बोलेंगे हम केंद्र संरक्षित स्मारक, और जो राज्य संरक्षित करके रखता है उसको बोलेंगे हम राज्य संरक्षित स्मारक। तो फ्रेंड्स, केंद्र संरक्षित स्मारक दुर्ग में है, शिव मंदिर धमधा, शिव मंदिर देवबलोदा। ठीक है, तो 2 जगह है, शिव मंदिर धमधा और शिव मंदिर देवबलोदा, 2 जगह है, तो आपको याद रखना, भूलना नहीं है। जामुल में कहाँ पे? जामुल दुर्ग में 1965 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले सीमेंट संयंत्र बना। ठीक है, तो आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ बना? जामुल में बना। जामुल कहाँ है? दुर्ग में, और कब बना? 1965 में, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जामुल को पूछा जाता है कि उसका स्थापना कब हुआ। ठीक है, क्योंकि ये पहली सीमेंट संयंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, प्राकृतिक एवं योग विश्वविद्यालय महाविद्यालय है कहाँ? दुर्ग में, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो फ्रेंड्स आपका हो गया दुर्ग से, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है, छत्तीसगढ़ में 21 जुलाई के बाद कितने हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा? तो फ्रेंड्स, कितने हफ्ते का? आवारा से उत्तर हो जाएगा, एक हफ्ते का। एक हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा 21 जुलाई के बाद। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तो आपको याद रखना है। अब ये लॉकडाउन कहाँ रहेगा? तो पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जो जो जिला संक्रमित है, बहुत ज्यादा संक्रमित है कोरोना वायरस से, ऐसे जिलों को लॉकडाउन किया जाएगा एक हफ्ते के लिए। कब से? 21 जुलाई के बाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सभी जिलों को नहीं होगा लॉकडाउन, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ लॉकडाउन नहीं होगा। जो जिला बहुत ही ज्यादा संक्रमित है कोरोना वायरस से, ठीक है, ग्रसित है, उन जिलों को पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा एक हफ्ते के लिए, और कब से? 21 जुलाई से। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल से जानकारी यहाँ से याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी, क्या? गिरदावरी। ठीक है, राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से कितने सितंबर तक की जाएगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला, यानी कि 20 सितंबर। 20 सितंबर तक किया जाएगा 1 अगस्त से। ठीक है, 20 सितंबर तक किया जाएगा राज्य में खरीफ फसल की गिरदावरी।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये गिरदावरी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 अगस्त से 20 सितंबर तक किया जाएगा, ठीक है। खरीफ फसल से संबंधित है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फसल से संबंधित क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस समय, ठीक है, ऐसे मतलब गवर्नमेंट है, इस समय ऐसा गवर्नमेंट है जो कि किसान वर्ग को बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, किसानी को बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। कृषि वर्ग को बहुत फोकस किया जा रहा है, गरीबों को बहुत फोकस किया जा रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नोट डाउन कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, भूलना नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट ये है फ्रेंड की राज्य के सभी गाँव में किसान वार फसल क्षेत्र छांदन का प्रकाशन का दावा आपत्ति 28 सितंबर तक प्राप्त की जाएगी। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा पांचशाला एवं भूमिया सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि में 14 अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें खसरा से संबंधित भी जानकारी है, ठीक है, जो कि जमीन का जो होता है, जमीन का भूमि का जो खसरा होता है, मिसल खसरा, उनके बारे में जो है प्रविष्टि में 14 अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, भूलना नहीं है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य में खरीफ फसलों की गिरदावरी 1 अगस्त से, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन डबल हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, सरगुजा के पैडमैन का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपने पैडमैन देखा होगा अक्षय कुमार का, ठीक है, लेकिन सरगुजा यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा में, सरगुजा संभाग में, सरगुजा जिला में एक पैडमैन है, ठीक है, इनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अ वाला, यानी कि अंचल ओझा। अंचल वेजा यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, पेड़मैन है हमारे छत्तीसगढ़ के, सरगुजा जिले के रहने वाले हैं, सरगुजा संभाग से हैं, ठीक है, अंचल ओझा। अब ये पेड़मैन है क्या, तो फ्रेंड्स इन्होंने जो अंचल ओझा ने जी ने अभी तक, ठीक है, 20 लाख सैनिटरी पैड जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, ठीक है, जिनको जरूरत है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 20 लाख, कितना 20 लाख, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन कार्य है इनके द्वारा, जो कि बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। अंचल ओझा जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिनको पैडमैन के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ का पैडमैन, ठीक है, जो कि सरगुजा जिले से है, सरगुजा जिले से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सरगुजा साइंस ग्रुप नामक संस्थान, क्या ये ग्रुप साइंस ग्रुप का नाम आप याद रखिए, सरगुजा साइंस ग्रुप नामक संस्थान के अध्यक्ष अंचल ओझा अपनी टीम के साथ निःशुल्क पैड पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और अभी तक 20 लाख पैड जो है पहुंचा चुके हैं जरूरतमंद तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात है यहाँ पे अंचल ओझा की, तो आप इसको फोटो में देखिए, ये है अंचल ओझा, ये ही है अध्यक्ष, ठीक है, किनके, साइंस ग्रुप के अध्यक्ष है, और ये 20 लाख पैड जो है महिलाओं तक, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा चुके हैं, और इनके द्वारा निःशुल्क पहुंचाया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम है, ठीक है, प्रशंसा की बात है, ठीक है। मैं इनका जितना भी प्रशंसा करूं बहुत ही कम है। तो ऐसे कार्य, ऐसे भावना हर लोगों के मन में होना चाहिए, जो गरीब तबके और लोगों की जो जरूरतमंद है उनके लिए काम करे, ऐसा हर किसी की सोच होना चाहिए। ऐसी ही से हमारा जो है राष्ट्र है, हमारा राज्य है सशक्त बनता है, हमारा समाज सशक्त बनता है, घर परिवार सशक्त बनता है, ऐसी भावनाओं से, इसलिए ऐसी भावनाएं हर किसी की होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, क्योंकि आज वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अगेन बोल देता हूँ, वीडियो में पहली बार आए फ्रेंड्स तो आपको लाइक करना है, ठीक है, और क्या करना है, शेयर करना है, क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से फ्रेंड्स जो होता है नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं है, ठीक है। चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना है और ये बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है। आप हमारे जो है पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के पीडीएफ चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है कॉन्सेप्ट क्लासेस सीजी, क्या कॉन्सेप्ट क्लासेस सीजी, आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, हमारा जो है वहाँ पे चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ से आप इस जो करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो में, हमेशा हम लेकर आएंगे आपके लिए नए नए करंट अफेयर्स, नए नए अपडेट, हमेशा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स